अरे कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर कर दी आने में, यहाँ मेरी जान पर बने हुए थे। अम्मी रास्ते में ट्रैफिक होती है, उड़ के नहीं आना था मैंने। किधर है मैं? पता नहीं क्यों अपने आप को कमरे में बंद करके रख दिया इस लड़के ने। ये तो मेरी जान लेके रहेगा, कल भी मेरी तबीयत इतनी खराब थी। अरे चले देखते हैं हम लोग। खोल ही नहीं रहा दरवाजा, पता नहीं क्या करेगा ये। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा खोलो। उमेर जी फरहान भाई, तुम क्या कर रहे हो अंदर दरवाजा लॉक करके? क्या हाल बना लिया तुमने अपना? देखो इनकी शक्ल देखो, कितनी परेशान हो गई। तुम जानते हो इनकी तबीयत खराब हो जाती है फिर भी। इससे क्यों होगी परवाह? क्या कह गई थी मैं तुम्हें? ख्याल रखना अम्मी का। ये ख्याल रखा है तुमने? खुदा ना खास्ता तुम्हारी ये ओछी हरकतों की वजह से इनको कुछ हो जाता तो? आप ही दुआ करें मैं मर जाऊं। प्लीज दुआ करें मैं मर जाऊं। उमेर ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? तो और मैं क्या करूं, अम्मी तंग है ना मुझसे। तुम्हें क्या हो गया बेटा? क्यों हो गया उनसे बदतर? तुम्हारे लिए क्या सिर्फ उर्वा है, हम कुछ नहीं है? नाम मत ले उसका मेरे सामने। नफरत है मुझसे। तो वो नफरत के काबिल है? ये तुम थे जो उस बदजात को अपने सर पे बिठा के रखा था, वरना तो उसे कोई मुंह ना लगाए यहाँ पे। अंबर बस करो, क्यों कोस रही हो तुम उसे? अरे क्यों ना कोसू, हालत देखो उसने मेरे भाई की क्या की है। इतना सा वो निकाला हुआ है, सब उस लड़की की गलती है। हो सकता है वो उमेर से ज्यादा तकलीफ में। देखो तलाक उमेर ने उसे दिया है, उसने उसको नहीं छोड़ा। उमेर ने भी उसे खुशी से नहीं छोड़ा, उसकी जुबान और करतूतों की वजह से उसकी तलाक हुई है। हाँ। फिर भी हमारे माशरे में हमेशा तकलीफ और मसाइल औरत के हिस्से में होते हैं। उमेर का क्या है, मर्द है, दूसरी शादी कर लेगा, भूल जाएगा उसे। मगर उर्वा वो खुश है यार अपनी जिंदगी में। फरहान भाई खुश है वो। शादी कर लिया उसने। तुम्हें कैसे पता चला कि उर्वा की शादी हो गई? पता चल गया आपे। ओ अच्छा, तो ये है तुम्हारी गुस्से की वजह। तुम्हें बुरा लगा ना उर्वा ने शादी कर ली है, वजह जान सकता हूँ? तुमने खुद ही छोड़ा था ना उसे, फिर इस गुस्सा और जुनून की क्या वजह हो सकती है? हाँ? तुम्हारा उसकी शादी की खबर सुनकर इस तरह का बिहेवियर, गुस्से का शिकार हो जाना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है।